नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के सिलेबस के बारे में। एमएसबीटी मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई, उसके अंदर डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं। जैसे मैकेनिकल है आपका, सिविल है, केमिकल है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी चलते हैं और प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स में भी चलते हैं। लेकिन अभी जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं, उनको जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो कैसे क्या है, ये जो सब्जेक्ट कोड है उसका मतलब क्या होता है, इसके बाद ये एंड सेमेस्टर मतलब क्या है, ये सब कुछ उनको पता नहीं होता है। तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि जो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स है उनको पता चलना चाहिए कि पेपर लास्ट का फाइनल का पेपर कितने मार्क्स का होता है, उसकी पासिंग कितने को होती है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखा जाए, पहले तो अभी आपके यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है, कोर्स टाइटल मतलब सब्जेक्ट है, एब्रिवेशन है उसका इंग्लिश, सब्जेक्ट कोड है 22101। आपके एक वीक में तीन लेक्चर होंगे और एक आपका एक प्रैक्टिकल होगा उसका, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल एग्जाम है वो 70 मार्क्स की है और उसको मिनिमम आपको कितने मार्क्स लेने हैं, 28 मार्क्स आपको लेना ही है। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव असेसमेंट है। प्रोग्रेसिव असेसमेंट मतलब क्या है कि आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं एक सेमेस्टर में, एक सेम में आपके कितने क्लास टेस्ट होने वाले हैं, दो क्लास टेस्ट होने वाले हैं। तो दो क्लास टेस्ट का वो क्या लेंगे, एवरेज लेंगे और यहाँ पे वो एंटर करेंगे। उसके साथ आपका एक माइक्रो प्रोजेक्ट रहता है 10 मार्क का, तो 10 मार्क भी उसमें ऐड होते हैं। मतलब 20 और 20 40 मार्क की आपकी क्लास टेस्ट हो गई, उसका एवरेज 20 आ गया और ये 10 उसमें ऐड हो गए, तो ये कितने हो गए, 30 मार्क्स हो गए। इसमें आपको मिनिमम कुछ नहीं है, मिनिमम मार्क्स कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टोटल देखोगे तो ये कितना है, 100 है। 100 में से आपको क्या कितने मार्क्स चाहिए, 40, मतलब ये 70 प्लस ये 30 मार्क्स, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने क्लास टेस्ट नहीं दिए है, ठीक है, तो उसके खाली उसके माइक्रो प्रोजेक्ट के मार्क्स जाएंगे। कंसिडर करो उसको माइक्रो प्रोजेक्ट में 7 मार्क्स आ गए, तो अभी उसको क्या करना है, देखो उसको ये जो थ्योरी पेपर है, इस थ्योरी पेपर में उसको कितने मार्क्स लाना है, 33 मार्क्स लाना है, तो उसके टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर वो ऐसे नहीं करता है, यहाँ पे उसके मिनिमम 28, यहाँ पे 28 पासिंग मिनिमम है, उसको आपको कैसे भी करके 28 लाना है, लेकिन अगर आपके नंबर्स यहाँ पे कम है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो इंक्रीज करना है, तो कुछ भी करके आपका टोटल कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मतलब क्या, जैसे वाइवाज होते हैं या प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, वो जो रहेगी वो यहाँ पे है। अभी ये जो एट है, एट का मतलब क्या है कि ये इंटरनल असेसमेंट है, कॉलेज के अंदर आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी, उसके 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको मिनिमम 10 मार्क मिलने चाहिए, अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप डिटेंड हो। उसके बाद प्रोग्रेसिव असेसमेंट में जो आपका लैब का मैनुअल रहेगा या कोई आपको असाइनमेंट दे वाले रहेंगी, वो जो है उसके हिसाब से आपको क्या करेंगे, वो मार्क्स देंगे, मिनिमम 10 मार्क्स रहने चाहिए। यहाँ पे भी सेम है, अभी आपका आपके सामने वर्ड नया है, डिटेंड मतलब क्या, वो साल के आपको एग्जाम नहीं देने आती और वापस आपको क्या करना पड़ता है, रीएडमिशन लेना पड़ता है। ऐसा ये इंग्लिश का था टोटल। इसके बाद है बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में क्या, दो सब्जेक्ट है एक्चुअली, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसको बीएससी बोलते हैं। उसके सब्जेक्ट कोड है 22102, हर एक के दो दो लेक्चर है और दो दो प्रैक्टिकल है। तो इसका भी सेम है कि इसका क्या है कि 70 मार्क्स है, लेकिन स्टार और हैश है। स्टार और हैश मतलब क्या, आपकी एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे होती है और इसको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, आपको 28 मार्क्स चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 मार्क्स थे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 15-15 मार्क्स डिवाइड करके दी, सेम क्लास टेस्ट का और माइक्रो प्रोजेक्ट का यहाँ पे आपका यहाँ पे कैलकुलेशन रहेगा। आपको यहाँ पे भी सेम है, 40 मार्क्स लाना है, मतलब यहाँ पे 28 मार्क्स कंपलसरी है, उसके साथ यहाँ पे आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 12 मार्क्स चाहिए दोनों के मिला के, तो कितने होंगे वो, 40 मार्क्स होंगे। यहाँ पे सेम, यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट है दोनों का भी, वाइवा होगी या कुछ होगा तो उसका क्या रहेगा, 25-25 मार्क्स है और 10 मार्क्स आपको मिनिमम लेने हैं। प्रोग्रेसिव असेसमेंट का भी वही है, लैब मैनुअल रहेगा या असाइनमेंट्स रहेंगे, जर्नल्स रहेंगे, तो उसको 10-10 मार्क्स लेना है, ठीक है। बाद में फिर टोटल तीन ही पेपर है जो थ्योरी पेपर्स है, बाद में ये जो ग्राफिक्स रहेगा या वर्कशॉप प्रैक्टिस रहेगा इसका पेपर नहीं है आपको। तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंग्लिश,
फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इतने ही पेपर देने, ये तो ऑनलाइन हो गया। फिर उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का BMS बोलते हैं उसको, 2-2-1-0-3, हफ्ते में 4 लेक्चर रहेंगे, एक ट्यूटोरियल रहेगा 2 घंटे का। फिर यहाँ पे क्या 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, 20 मार्क्स से पासिंग है, 30 मार्क्स का क्लास टेस्ट एवरेज और आपका माइक्रो प्रोजेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद 40 लाना है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं है, मतलब इंटरनल वाइवा असाइनमेंट जर्नल्स कुछ भी नहीं है आपको, ठीक है। अभी ये ग्राफिक्स जो है, ये ग्राफिक्स यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, एक्चुअली सिविल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ये जो प्रोडक्शन ब्रांच है इनके लिए अलग ग्राफिक्स है, उनका कोड 22002 है। और जो कंप्यूटर रिलेटेड है, CO ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनके लिए उनका कोड है 220203, तो उनका भी सेम है। उसको इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम, मतलब थ्योरी एग्जाम नहीं है उसको, लेकिन आपको इंटरनल एग्जाम उसका देना पड़ेगा 50 मार्क्स का, उसको मिनिमम आपको 20 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। और उसके साथ आप जो ड्राइंग शीट्स बनाते हो साल भर में या सेमेस्टर में, जो शीट्स बनाते हो उसके ऊपर से वो आपका जो टीचर रहेगा वो आउट ऑफ एक तो मैक्सिमम 50 मार्क्स या मिनिमम 20 मार्क्स के ऊपर आपको वो जज करेगा, ठीक है, ये ऐसा है। फिर वर्कशॉप प्रैक्टिस में भी वैसा है, उसका कोड है 220200। और यहाँ पे ग्राफिक्स का सिलेबस थोड़ा चेंज है, लेकिन वो आप सिलेबस में देख सकते हो। लेकिन आपको मेरा ये मेन इसका मोटिव क्या है कि आपको पासिंग के लिए या स्कीम कैसी है ये समझने के लिए। यहाँ पे भी वर्कशॉप प्रैक्टिस में भी सेम है, 50 मार्क्स है मिनिमम, आपको क्या करने पड़ेंगे 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा यहाँ पे इंटरनल। उसके बाद असाइनमेंट का भी वैसे ही है, 50 मार्क्स और 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे यहाँ पे। उसके साथ अभी यहाँ पे अगर नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये तो हो गया ना, ये मैंने बता दिया वहाँ पे ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कंसिडर करो, एक कैंडिडेट है, उसने क्या किया, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम में क्या किया, बेस फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है, लेकिन उसने फिजिक्स का पेपर दे दिया लेकिन केमिस्ट्री का नहीं दिया, तो आपको वहाँ पे जो ही आएगा आपके मार्कशीट पे वहाँ पे क्या आ जाएगा, अपसेट आ जाएगा। और कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि लास्ट टाइम मैंने फिजिक्स का पेपर दिया था, इस टाइम मैं फिजिक्स का नहीं दूंगा, खाली केमिस्ट्री का दूंगा, ऐसे नहीं है। ये फिजिक्स के मार्क आपके आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको वापस क्या करना है, दोनों सब्जेक्ट का वापस एग्जाम आपको देना है, ठीक है। और अगर कोई कैंडिडेट प्रोग्रेसिव असेसमेंट में मिनिमम मार्क्स नहीं ला सकता है, मतलब 10 मार्क नहीं ला सकता है, तो उसको क्या किया जाएगा, वो टर्म में उसको एग्जाम नहीं देने आती, उसको वापस से री एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे ये टोटल सिलेबस था। उसके साथ मैंने इसके पहले ही एक वीडियो बनाया था कि आपका फर्स्ट ईयर का जो डिप्लोमा है वो सिलेबस आप कैसे कवर कर सकते हो, जैसे अभी ऑनलाइन चल रहा है तो कैसे कर सकते हो, इसलिए मैंने मेरे ऑलरेडी फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, वो आप देख के वो कवर कर सकते हो। उसके बाद अगर ये आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा क्या नहीं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।